Hello, good morning. Have you completed the assignment, beta? The difference between complementary and supplementary gene? जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आई थिंक आपने कर लिया होगा. ओके, यू आर गुड वन. ओके, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा. देखिए, फिनोटिपिक ट्रेट्स, हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी को. मॉर्फोलॉजी को हमने नाम दे दिया था फिनोटाइप. वो फिनोटिपिक ट्रेट्स आपके पास थे दो टाइप के. वन इज द क्वालिटेटिव एंड अदर इज द क्वांटिटेटिव. एज द नेम इंडिकेट, क्वांटिटी मतलब नंबर, ज़्यादा की बात करेंगे हम. क्वालिटी मतलब नंबर फिक्स है. कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट करोगे क्वालिटेटिव को मेंडेलियन के साथ, मेंडल्स के साथ, और क्वांटिटी उसका थोड़ा सा एक्सेप्शन फॉर्म में चला जाएगा. ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव ट्रेट्स. सी, क्वालिटेटिव ट्रेट्स, दीज आर द क्लासिकल मेंडेलियन ट्रेट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज आर रिलेटेड विद द मेंडेलियन ट्रेट. दे कंप्लीटली फॉलो द मेंडेलियन रूल्स, दैट्स वाई यू कैन रिलेट विद दैम. दीज आर द क्लासिकल मेंडेलियन ट्रेट्स विच हैव टू कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन. देखिए, जहाँ मेंडल का जिक्र आ गया है वहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस की बात होगी ही होगी. ऑलवेज कीप इन माइंड, यू कांट अवॉइड दैम. ठीक है, मतलब टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो, जो हमने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पढ़े थे गुआनियोपिग्स के केस में पढ़ा था हमने, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, मतलब कंप्लीटली अपोजिट कंडीशंस वी कैन से. ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन. वहां पे एक सिंगल पेयर ऑफ जीन होगा जो उन्हें कंट्रोल्ड करता हुआ चल रहा है. दिस ट्रेट इज फुली एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंगल डोमिनेंट जीन. इस ट्रेट को एक सिंगल डोमिनेंट जीन कंट्रोल करेगा. एक सिंगल डोमिनेंट जीन का कंसेप्ट है, इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन पॉसिबल है कि डोमिनेंट जीन है तो पर्टिकुलर डोमिनेंट ट्रेट आ गया, अगर रिसेसिव जीन है तो रिसेसिव ट्रेट आ गया. मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स डज नॉट मॉडिफाई द फिनोटाइप. अगर दो हैं होमोजाइगस, ये यहां बात करना चाह रहा है बेटा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन की. ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहां मेंशन किया, अगर आपके पास एक है कैपिटल बी स्मॉल बी और एक है कैपिटल बी कैपिटल बी, तो जीनोटाइप क्या है? दोनों के केस में ही जो जीनोटाइप है वो क्या रह जाएगा? ब्लैक कोट कलर. इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी कैपिटल टी, देन वॉट हैपेंड? The gene, the phenotype remains tall. The plant will be tall. It doesn't matter that it is homozygous tall or heterozygous tall, but the morphology says that it is tall. Okay? Same way में अगर यहाँ आपके पास दो dominant gene हो जाते हैं, that is homozygous condition, तो भी phenotype आपके पास क्या है? Same है. अगर एक dominant gene है like this, heterozygous condition, तो भी क्या है phenotype? Same है. मतलब एक भी डोमिनेंट जीन आ गया तो वो खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा. लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है. मोनोजेनिक ट्रेट्स मतलब सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल जीन के कारण आप नाम क्या दे सकते हो? मोनोजीन. और वो ट्रेट जा रहा है तो हमने नाम क्या दे दिया? मोनोजेनिक ट्रेट. द क्वालिटेटिव ट्रेट, क्वालिटेटिव सिंगल जीन का रोल, बींग कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन. वो ट्रेट जो सिंगल पेयर ऑफ जीन के कारण कंट्रोल किए जा रहे हैं, एक मोनोजीन से कंट्रोल किए जा रहे हैं, उन ट्रेट्स को आप क्या नाम दे दोगे? मोनोजेनिक ट्रेट. मोनो मतलब सिंगल इंडिविजुअल. ओके, और इनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या कहलाएगा आपके पास? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, और सिंपली यू कैन से द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस. इट इज वेरी सिंपल टर्म. द इनहेरिटेंस प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप. मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन है, एक ट्रेट में कॉन्ट्रास्टिंग की हमने बात करी है, वो टॉल भी हो सकता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है, सॉरी रिंकल्ड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, जो एक्सियल पोजिशन भी हो सकती है आपके पास, टर्मिनल पोजिशन भी हो सकती है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट द कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन वर्क्स इन केस ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेट. ओके, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव मेंडल वाली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमेशा काम करेंगी. द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव ट्रेट. सी, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, क्वांटिटी नेम ही इंडिकेट कर रहा है नंबर, कि जहां पे एक जिनसे ज्यादा का कंसेप्ट हमारे पास चल पड़ेगा.
ठीक है, दीज आर मेजरेबल फिनोटिपिक ट्रीट्स, आप इन्हें मेजर कर सकते हैं। जैसे कलर में तो आप क्या वो करते, जैसे कलर में मतलब हम सीड के कलर की बात कर रहे थे, हाइट की बात, मतलब हाइट नहीं, हाइट तो कंट्रोल वो मेजरेबल हो जाएगी, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट से अलग हम बात कर रहे थे। दीज आर द मेजरेबल फिनोटिपिक ट्रीट्स विच डू नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन। देखो, या तो आप बात करो बेटा, जैसे हम हाइट की बात करें, अभी हमने वर्ड यूज किया था हाइट, तो या तो आप बात करो सीधा दो कंडीशन कॉन्ट्रास्टिंग की, अगर आप बात कर रहे हो, या तो लंबा, ठीक है, रिलेटेड विद द ग्रेट खली, और या फिर बिल्कुल बोना, या तो हम ये कहें, या फिर जैसे ह्यूमन की हाइट में होता है 5 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच, ऐसे बात करते हैं ना हम कि इतने फीट हाइट है, इतनी है, इंचेस में हम चले जाते हैं, 5 फीट 3 इंचेस, 2 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, 9 इंचेस, चले जाते हैं ना। एग्जैक्टली हम वो बात करें, या तो आप डायरेक्टली छोटा लंबा ड्वार्फ और टॉल पे चले जाओ, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन, बीच की कोई कंडीशन हमें कंसीडर ही नहीं करनी है, लेकिन ऐसा ह्यूमन हाइट के किस में तो पॉसिबल नहीं होता। हम यहाँ जो मेजरेबल फिनोटिपिक ट्रीट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, विच डू नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन, जिनके पास दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पॉसिबल नहीं है, उन दो अपोजिट के बीच में नंबर ऑफ ट्रेट्स वहाँ लाई करेंगे। दे हैव ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप, जैसे हम हाइट की बात कर रहे थे, इतने फुट, इतने इंचेस, इतने इंचेस, बहुत सारे आपको फिनोटाइप्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हाँ, दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, पहले ही नाम ही में ही आ गया था क्वांटिटेटिव, मतलब एक जीन से, उससे जस्ट अपोजिट में चल रहा है, तो मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, मे बी मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर, मे बी मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, वहां एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं था, बट इफ वी डिस्कस हेयर, यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन स्किन कलर की बात कर लें, एक लाइट स्किन टोन है, एक डार्क स्किन टोन है, और उसके बीच की बहुत सारी शेड अवेलेबल है ना, फेयर एंड लवली की वो क्रीम के साथ इतने सारे स्किन टोन के वो जो शेड्स अवेलेबल होते हैं, जो भी अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आप मान लो वेरियस टाइप ऑफ शेड्स आर अवेलेबल, लाइक और डार्क ह्यूमन स्किन कलर, लेकिन उसमें भी क्या है, एक नेचुरल जो स्किन टोन है उसको भी हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में हैं, टैनिंग अफेक्ट आ रहा है, द स्किन कलर गेट डार्क, मतलब वो मॉडिफाई हुआ है। इफ़ यू आर लिविंग इन द एसी रूम, एसी कंपार्टमेंट, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी एंड ऑल दैट, देन इट शोज इट्स अफेक्ट। एक लिजार्ड है, आपने कम्प्लीटली उसको डार्क में डाल दिया है, मतलब उसको सनलाइट अवेलेबल नहीं हो रही, तो वो और डार्क निकल के आ रही है, आप उसको ओपन में छोड़ रहे हो, मतलब ये सारे क्या हैं, ह्यूमन स्किन कलर से अपोजिट में उसका लिजार्ड का जा रहा है, ये सारे क्या हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर शोज इट्स अफेक्ट। मतलब आप हिली एरियाज में चले जाते हो, वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, आप नीचे गर्मी वाले ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में चले जाते हो, वहाँ के लोगों का जो स्किन टोन है वो डार्क है, व्हाट इट इज शोइंग कि जितने भी ये कैरेक्टर हैं उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का अपना अफेक्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर शोइंग देयर अफेक्ट। ओके, दीज ट्रीट आर ऑल्सो नोन एज मेट्रिक ट्रीट्स, मेट्रिक ट्रीट्स क्योंकि आप इन्हें मेजर कर पा रहे हो कि कितना क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, आप उसे मेजर कर पा रहे हो, बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, वेट एंड नंबर। आप उन्हें लेंथ की यूनिट में, वेट की उसमें यूनिट्स में, नंबर में आप उन्हें मेजर कर पा रहे हो, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मेट्रिक ट्रीट्स। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, आज हमारे पास कोई क्रॉस नहीं है अवेलेबल कि हम करवा दें, लेकिन क्रॉस करवाने से पहले यू शुड नो अबाउट द बेसिक टर्म्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारे क्रॉस आ जाएगा, बट उससे जस्ट पहले आपको ये कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। दीज ट्रेट्स आर वेरी कॉमन एंड इंक्लूड्स, जैसे आप बहुत, मतलब ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे आपके पास जैसे हाइट, वेट, स्किन कलर, हेयर कलर, साइज ऑफ सम ऑर्गन्स, इंटेलिजेंस, सॉरी, इंटेलिजेंस, पावर एट्सेट्रा वगैरह, मतलब जिन्हें आप मेजर कर पा रहे हो। पॉलीजेनिक ट्रेट, ए सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट, एक सिंगल कैरेक्टर ट्रेट को हम लेके चलें, गवर्न्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, मतलब एक सिंगल ट्रेट के पास, क्वालिटेटिव में क्या था, एक ट्रेट एक जीन का कंसेप्ट था, यहां क्या है आपके पास,
एक ट्रेट के लिए एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन जब अवेलेबल हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे? पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या कहोगे आप उसे? पॉलीजेनिक ट्रेट। एक था मोनोजेनिक ट्रेट, जहां पे एक ट्रेट के लिए एक जीन काम कर रहा है, वन पेयर ऑफ जीन।